चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए नए वीडियो पाने के लिए पास में दिए गए बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि WhatsApp में चैट बैकग्राउंड चेंज कैसे करते हैं। आइए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक शेयर और जो भी समझ में न आए वो कमेंट करके पूछिए। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट्सएप का पहला ओपन कीजिए। पहला पेज ओपन करने के बाद वहाँ पे आपको चैट का ऑप्शन, स्टेटस, कॉल्स और वहाँ पे लास्ट को कॉर्नर में कॉन्टैक्ट लिस्ट और बहुत कुछ मिलने वाला है। उसके बाद आपको ठीक उसकी राइट साइड कॉर्नर पर थ्री डॉट दिखाई देगा, उसमें न्यू ग्रुप, न्यू व्हाट्सएप मैसेज, स्टार मैसेज, ये सब सेटिंग्स के बारे में आपको पता चलने वाला है। उसमें वहाँ से हम बात करेंगे उसका बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं, जो कि बहुत ही आसान भी है। तो यहाँ पे हम जाते हैं, एक चैट के पेज ओपन करते हैं जिसमें हम चैट करते हैं। उसमें मैं पहले से मेरा बैकग्राउंड चेंज करके रखा है। अभी उसके थ्री डॉट में क्लिक करने के बाद वॉलपेपर एक ऑप्शन है, उसमें देखिए कॉन्टैक्ट नीचे से दो नंबर वॉलपेपर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद वहाँ से हम अपन उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। आप सिलेक्ट करने के बाद आप गैलरी पे जाइए। गैलरी पे कौन सी भी एक फ़ोटो आप जो भी सेव करके रखें उसको चूज कीजिए। चूज करने के बाद उसको ड्रैग कीजिए। आपको जैसे फ़ोटो जहाँ का जिस पोजीशन पे रखना है वहाँ पे ड्रैग कर लीजिए और उसके बाद डन करवा दीजिए। वो ऑटोमेटिक सेव हो गया, अभी सेव हो गया। अभी आप देखिए उसका बैकग्राउंड चेंज हो गया। अभी बहुत ही ईजी प्रोसेस था, मगर सभी लोगों को ये तो पता नहीं है। ये दिखने में बहुत कूल लगता है और चैट करने में भी आसान होता है। अभी और एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि वॉलपेपर के ऑप्शन पर जाइए। जाने के बाद गैलरी में जाइए, आपके सेव किए हुए फ़ोटो, किसी भी फ़ोटो आप चूज कर सकते हैं। आप चूज कर जो भी फ़ोटो है आपके पास वो चूज कर लीजिए। मेरे पास जो फ़ोटो है इसमें से मैं एक चूज कर लेता हूँ। चूज करने के बाद अभी मैं उसका ड्रैग, देखिए मैं ड्रैग कर रहा हूँ, जो जिस पोजीशन में रखना चाहता हूँ वो ड्रैग होने के बाद उसी पोजीशन में आ गया। अभी उसको क्लिक ओके पे कर दीजिए और ये हो गया। इस तरह के वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जो भी आपको समझ में नहीं है वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।